नमस्कार, मैं आपका अपना भगवत सिंह, फिजिक्स आपके अपनी CLC सीकर से। आज हम मिड सेशन का फर्स्ट जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। जो बच्चे CLC से जुड़े हुए हैं या जो IIT की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार CLC यूनिक मिड सेशन लेकर आ रही है IIT वालों के लिए खास करके। इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, जो कि अपना मई में होने वाला है, उससे पहले हम 3 बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों का रिवीजन कराएंगे। इसके लिए हमने 3 अलग अलग स्लॉट डाले हैं। तो पहला स्लॉट आज से स्टार्ट हो रहा है, आज से लेकर 2 दिसंबर तक पहला राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अर्थात ये है कि 2 दिसंबर तक हम एक बार आपकी पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी मैथ को रिवाइज करा देंगे। उसके बाद 4 दिसंबर को हमारा सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकेंड राउंड का मतलब है कि जैसे आज मैं ये जो टॉपिक कराऊंगा, वेक्टर 1D रिलेटिव मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी का दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से वापस से स्टार्ट होगा। ये चलेगा 28 दिसंबर तक। मतलब 28 दिसंबर आते आते आपका 2 बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का रिविजन हो जाएगा। उसके बाद थर्ड राउंड होगा 1 जनवरी से स्टार्ट, और ये आपके फर्स्ट अटेम्प्ट आने तक कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक यूनिक टेस्ट सीरीज है जिसको हम मिड सेशन भी बोलते हैं। दूसरी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें अपन यूनिक क्वेश्चन देंगे, आपको क्वेश्चन की हर एक वैरायटी मिलेगी। और हम ये ट्राई कर रहे हैं 100% हम इस बात पर फॉलो कर रहे हैं कि जो मेंस का जो पैटर्न है उसी के अनुसार पेपर बनाए, ना पेपर बच्चों के लिए ना फैकल्टी के लिए, जो मेंस का जो पैटर्न है उसके अनुसार हम बनाएंगे। तो कुल मिलाकर मैं आपको बोल सकता हूँ कि जब आप जनवरी का अटेम्प्ट देने जाओगे पहली बार, तब तक हम आपको टोटल 57 टेस्ट मिड सेशन के थ्रू करवाएंगे। उसमें से 48 तो है मेंस लेवल के और 8 जो है वो है एडवांस लेवल के। कुल मिलाकर आपको मैं ये बता सकता हूँ कि टोटल 4,320 क्वेश्चन तो हम आपको देंगे मेंस लेवल के, और यदि ओवरऑल बात की जाए तो आपको 4,860 क्वेश्चन आपके फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले पहले हम आपको दे चुके होंगे। इसका मतलब ये है कि आप यदि CLC मिड सेशन को बहुत सीरियसली ढंग से सॉल्व करते हैं तो आप ये मानोगे लगभग लगभग 5,000 क्वेश्चन के थ्रू आपका पूरा का पूरा 3 बार रिविजन हो चुका होगा। इसलिए आपके जितने भी मिड सेशन के टेस्ट होते हैं, CLC परिवार की तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि इन टेस्ट को आप बहुत सीरियसली लें। टेस्ट को देने के तुरंत बाद आप उनको सॉल्यूशन करें, खुद करें, और फिर हमारा ऑनलाइन जो सॉल्यूशन है उसको आप देख सकते हैं। उससे बेस्ट, इससे बेस्ट आपको टेस्ट सीरीज या मिड सेशन कहीं नहीं मिलने वाला है। CLC एक यूनिक प्रोग्राम के तहत काम कर रही है, तो हम चाहते हैं कि जितने भी आप जो CLC से जुड़े हुए हैं वो तो है ही, उसके अलावा जो CLC से जुड़े हुए नहीं है उनको डेफिनेटली मिड सेशन ज्वाइन करना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, मात्र 2500 रुपये की बात है, बात पैसों की नहीं, बात क्वालिटी की। हम बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, तो आपको आपके जो जानकार हैं जो CLC से जुड़े हुए नहीं हैं उनको डेफिनेटली CLC से जोड़ना चाहिए, ताकि जो हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो टीम मेहनत कर रही है, जो अलग टाइप के क्वेश्चन दे रही है, वो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, तो ये तो था हमारा मिड सेशन के बारे में। बाकी CLC के बारे में, अभी एक CLC टेक्नो चल रहा है जिसमें हम टैलेंट हंट करते हैं। जो बच्चा अगले साल के लिए एडमिशन चाहता है उसके लिए एक टैलेंट एग्जाम, टैलेंट सर्च एग्जाम है CLC टेक्नो नाम से। तो जिसको भी CLC टेक्नो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, CLC की साइट है CLC टेक्नो, वहां जाकर आप विजिट करें, उसके बारे में पूरी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो मैं एक स्टार्ट करता हूँ फिजिक्स का सॉल्यूशन। अब बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन आपको हो सकता है वैरायटी वाले मिले, क्यों हमारे हम ट्राई यही कर रहे हैं कि जो मेंस का जो ट्रेंड है उसी को हम फॉलो करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवल एक्स डिस्टेंस विद द वेलोसिटी V1 एंड देन एक्स डिस्टेंस विद वेलोसिटी V2 इन द सेम डायरेक्शन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पर्सन इज V, देन द रिलेशन बिटवीन V, V1 एंड V2। इसमें इन्होंने ये बोला है कि एक पर्सन है, वो एक्स डिस्टेंस चल रहा है, वो चल रहा है वेलोसिटी V1 से। नेक्स्ट जो चल रहा है वो चल रहा है V2 से। एवरेज वेलोसिटी V है,
तो वी वन वी और वी टू में रिलेशन क्या है? तो देखो अपन को ये पता है कि एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। अब मैं जी टोटल देखो इन ऑप्शन के अंदर एक्स कहीं भी नहीं, क्वेश्चन में जरूर एक्स गिवन है, इसका मतलब अपन को सिर्फ v1 और v2 चाहिए, मुझे x इसके अंदर नहीं चाहिए ना मुझे इसके अंदर t चाहिए। तो अपना टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे सिर्फ v1 v2 और v ही आए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, 2x डिवाइड बाय टाइम। अब देखो यदि ये डिस्टेंस x है, इसकी वेलोसिटी v है, तो यहां पर टाइम कुछ अलग लगा होगा, लेट इसको मैं लिख लेता हूं t1, इसका जो टाइम है वो क्या रहेगा t2। नाउ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई v1, इसको क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड बाई v2। तो यहां पर t1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, x डिवाइड बाई v1 प्लस x डिवाइड बाई v2। जब इसको अपन प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अप टू स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर। ये बोला है कि यूनिफॉर्मली है स्पीड बढ़ रही है, कहां तक आ गई, 80 तक, फॉर टाइम टी, ओके टाइम इंटरवल गिवन है टी, देन इट मूव विद कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3t। अब नेक्स्ट के लिए ये अगला टाइम कितना है, 3t। अब देखो इस क्वेश्चन के पीछे हमारा लॉजिक ये था कि जैसे पूछा गया, बोल देख लेते हैं, देन एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, एवरेज स्पीड पूछिए। देखो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है विद ग्राफ, एक होता है विदाउट ग्राफ। ये मैंने ग्राफ के थ्रू किया है, जिसको अपन बोलते हैं वीटी ग्राफ, ये थोड़ा सा इजी रहता है, हालांकि दूसरा भी इजी रहेगा, लेकिन उसको फिर अपन को लिखना पड़ता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, फिर वो यहां तक गया या 80 हो गया, टाइम टी, लेट एक्सेलरेशन इसका ए है, एंड अगेन ये 3t तक कॉन्स्टेंट स्पीड से चला। ये भी राइट मेथड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये वाला बहुत इजी रहता है, क्योंकि जब भी वीटी ग्राफ होता है ना, तो वीटी ग्राफ जो होता है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों की। अब आपको क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। नाउ डिस्टेंस क्या रहेगा, एरिया डिवाइड बाई टाइम कितना रहेगा, 4t। एरिया, अब ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या रहेगा, हाफ 80 इंटू टी, क्योंकि ये 80, ये टाइम टी, और ये जो एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, 80 इंटू 3t। तो ये आ गया a2, ये आ गया a1, एरिया ऐड कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 70 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ 2a अलोंग द डायरेक्शन ऑफ iz। आपको एक वेक्टर दे रखा है b, जिसका वैल्यू है i प्लस j, और अपने पास ये एक वेक्टर दे रखा है a, 2i प्लस 3j। अपन को फाइंड करना है ये जो a वेक्टर है अलोंग द b, ये एंगल थीटा है, अपन इसको सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये होगा अलोंग द बी का मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑन बी का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, बी डॉट बी, बी वेक्टर। अब देखो कई बार ऐसा होता है, इसे सॉल्व करते आंसर आ जाएगा, लेकिन कई बार बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो फॉर्मूला भूल जाते हैं। अब मैं तो टीचर हूं, मुझे फॉर्मूला याद है, यदि फॉर्मूला भूल जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा ही होता है। अब इनको क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर अलोंग द बी वेक्टर, तो चलो अपन उस वाले मेथड से करेंगे। तो मुझे बताओ क्या आएगा, ए कॉस थीटा, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, भाई ए का इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है, ए कॉस थीटा, वही है, और वेक्टर की डायरेक्शन में लिखना है व्हाट विल बी, बी यूनिट वेक्टर, सो आवर आंसर इज ए कॉस थीटा b vector. Now we have to find cos theta. How we will find cos theta? So we know that a dot b is equal to a b cos theta. So if we use cos theta here, then we will get this formula. So कभी कभी formula यदि भूल भी जाते हैं, no worry, आप direct, आपको यदि method याद है तो answer तुरंत आ जाएगा. Thank you. Next.
at what angle must two force x plus y and x minus y act so that the resultant may be resultant DA. तो उनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए? अब देखो ऑप्शन क्या है, उसमें cos थीटा दे रखा है. यदि ऑप्शन में cos थीटा दे रखा है तो अपन को वो फॉर्मूला याद करना है इन विच वी हैव cos थीटा. सो वी हैव रिजल्टेंट फॉर्मूला R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी cos थीटा. नाउ ए, व्हाट इज ए? x प्लस वाई. What is b? x minus y. When we substitute, resultant is, so this is x square plus y square. R square करेंगे तो इसका भी हो जाएगा. एक जगह क्या करूंगा मैं, x plus y का square, x minus y का square. यहां पर ध्यान रखना 2 x square minus y square. मैथ्स के स्टूडेंट आईडी की तैयारी करो, फॉर्मूला मल्टीप्लाई सीधा कर दिया मैंने, इनटू कॉस थीटा. सॉल्व करो, वी विल गेट अवर आंसर. नेक्स्ट नेक्स्ट, थ्री वेक्टर पी क्यू एंड आर आर सच दैट पी एंड क्यू आर इक्वल. वेक्टर जो पी है एंड क्यू दोनों इक्वल है, एंड जो आर वेक्टर है दैट इज रूट टू टाइम ऑफ पी वेक्टर. मोर ओवर पी क्यू आर इज इक्वल टू जीरो. एंगल बिटवीन पी एंड क्यू. अब देखो यहां पर अपन वी हैव टू मेथड, वन इज टोटली मैथमेटिक्स सो वी नीड नॉट टू यूज माइंड, सेकेंड टोटली माइंड नीड नॉट टू यूज वेक्टर. ठीक है, मैथ ज्यादा यूज नहीं करनी पड़ेगी, कहने मत है. आपको क्लासों में बहुत बार बोलते हैं कि दो वेक्टर यदि बराबर है मतलब इक्वल है एंड रिजल्टेंट इज रूट टू टाइम, इट्स मीन उन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहेगा? 45. ये बंद कई बार यूज करते हैं बट नो वेरी, यदि आपको रिजल्ट याद नहीं है वी कैन यूज व्हाट पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस आर. इफ यूज मैग्नीट्यूड पी प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर. पी और क्यू बराबर है तो मैं इसको यूज करता हूं पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर कॉस थीटा. आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? टू पी स्क्वायर. तो एक तो इससे आ जाएगा, ये किसके बीच में एंगल आएगा? पी और क्यू के बीच में. लेकिन इफ यू यूज माइंड तो अपन बहुत अच्छे से कर सकते हैं. तो क्या गिवन है? वेक्टर पी है, वेक्टर क्यू है, और वेक्टर देखो ये दोनों बराबर है तो डेफिनेटली यदि मैं इसको यदि ए बोल देता हूं और इसको भी ए बोल देता हूं तो रिजल्टेंट आएगा रूट टू ए से. वो तभी आता जब 90 डिग्री है. अब इन दोनों बोल रहा है कि जो क्यू है जो आर है वो रूट टू टाइम तो है लेकिन पी प्लस क्यू प्लस ये जो आर आ रहा है इसका सम जीरो आना चाहिए. इसका मतलब आर इधर नहीं आएगा, इसका ये आर इधर है. सो दैट कि इन दोनों के रिजल्टेंट जो इधर आएगा इसको कैंसिल आउट कर सके. ठीक है, तो इनके बीच में एंगल अपने पास 90 आ गया, इसके बीच में 135, इसके बीच में 135. सो जो भी मेथड यूज करो मैथमेटिकली है पूरा, इसमें कुछ नहीं देखो, पी भी सब कट जाएंगे. माइंड से यूज करो तो इजी रहता है. नेक्स्ट नेक्स्ट, इन द क्यूब ऑफ साइड ए शोन इन द फिगर द वेक्टर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पॉइंट ऑफ द फेस ए बी ओ डी ए बी ओ डी जी जी का पोजिशन वेक्टर लिखो फटाफट. थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर हमने यहां पर ट्राई किया है कि यूजली जो अपन मेथड लिखते हैं एक्स वाई जेड ऐसा नहीं लिखकर थोड़ा सा चेंज किया है. अपन जब मेंस की एग्जाम दे रहे होते हैं थोड़ी जल्दीबाजी में होते हैं थोड़ा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, केयरफुल होना पड़ता है. तो हमने वाई इधर दिया है, जेड इधर दिया और एक्स इधर दिया है. तो इसका जो कोऑर्डिनेट है जी का आएगा ए बाई टू आई कैप प्लस ए बाई टू के कैप. मतलब ये आधा इस साइड है, आधा ऊपर की ओर है, मिड पॉइंट है. इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है. सिमिलरली वी कैन फाइंड एच, जो एच है वो उसी प्लेन में है. किसका
सेंटर है ओ बी ई एफ, कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। इसका मतलब यहां पर एक्स नहीं आएगा, तो वो कितना आएगा? वो आएगा ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू के कैप। ठीक है, तो आपको जी एच वेक्टर करना था। जी एच फॉर्मूला क्या है? ओ एच माइनस ओ जी। थैंक यू, नेक्स्ट मोहन, नेक्स्ट। ये एक एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है। वैसे तो आपको यदि प्रीवियस कुछ रिजल्ट याद रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, और यदि प्रीवियस रिजल्ट याद नहीं है तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। इस क्वेश्चन देने के पीछे लॉजिक ये था कि आपको हम लास्ट जो 5 साल का रिव्यू किया उसमें ये पता चला है कि यदि आपको फॉर्मूले याद होते हैं फिजिक्स के, तो आपका मेंस का एग्जाम बहुत इजी हो जाता है। मतलब ये मानो कि चलो कि 80% क्वेश्चन फॉर्मूले यदि याद है तो क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं है। नाउ क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल ट्रावर्स 1/3 द डिस्टेंस विद द वेलोसिटी वी नॉट। 1/3 जो वेलोसिटी है वो वी नॉट से चल रहा है। मतलब सपोज जैसे ये है, टोटल डिस्टेंस एक्स है, तो एक्स बाई जो थर्ड चल रहा है वो वी नॉट से चल रहा है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी वी वन फॉर द हाफ द टाइम एंड विद वेलोसिटी वी टू फॉर द रिमेनिंग हाफ। अब जो बच क्या है, जो रिमेनिंग पार्ट है, इन दैट हाफ टाइम इट मूव विद वेलोसिटी वी वन एंड रिमेनिंग विद वेलोसिटी वी टू। मीन इक्वल टाइम इंटरवल में ये v1 है ना, v1 then that is v2, मतलब इसका इंटरवल t/2 है, इसका भी इंटरवल t/2। t/2 कहां से? यहां से टाइम। तो इसका अपन यूज कर सकते हैं कि ये जो दो वेलोसिटी है ना, जब इक्वल टाइम इंटरवल में होता है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है v1 प्लस v2/2। तो अब मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया ऐसे कि जो x/3 है वो तो चला है v0 से, और ये जो है 2x/3 वो चला है v1 प्लस v2/3। गॉट इट? मतलब जो वेलोसिटी वाला पोर्शन था उसको हमने यहां पर लेकर आगे, सॉरी 2 इज 2, v1 प्लस v2/2 हाफ ऑफ चला इसलिए। नाउ अब इसकी एवरेज फाइंड करना है, तो फिर तो एवरेज इजी फॉर्मूला है, टोटल x डिवाइड बाई t1 यहां का, तो यहां का t1 कितना आएगा? x/3 v0 प्लस 2x/3 v1 प्लस v2/2। नो सॉल्व, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द बलून गोइंग अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बलून है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है 5 मीटर पर सेकेंड। इफ द बलून वॉज 60 मीटर हाइट, 60 मीटर हाइट वेयर द स्टोन वॉज ड्रॉप, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। ये भी टेक्निकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है टोटली। व्हेनेवर वी रिलीज एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट देन that object acquire velocity that was of the moving object because of inertia। मतलब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी मूविंग से रिलीज करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वही रहेगी जो मूविंग वाले की थी। इस केस के अंदर ड्रॉप किसको किया है? स्टोन को ड्रॉप किया है। कहां से? बलून से। वॉट इज वेलोसिटी ऑफ बलून? वेलोसिटी ऑफ बलून इज 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स मीन जैसे हम रिलीज करेंगे वेलोसिटी ऑफ स्टोन विल बी that of velocity of balloon, जो कि कितनी है? 5। So velocity of stone will be in upward direction 5 meter per second। अब क्योंकि stone अलग हो गया है balloon से, so stone पर एक ही force लग रहा होगा, that is gravity, so it will fall under the gravity, so ये थोड़ा ऊपर जाकर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, find the height of the balloon when the stone hit the ground। इसका मतलब जब stone ground को hit करता है तब बलून कितना ऊपर जाएगा। इट्स मीन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड टाइम कि वो कितने टाइम नीचे आएगा। यहां पर साइन कन्वेंशन के लिए भी इस क्वेश्चन को यूज किया मैंने। सो माइनस 60, देखो यहां से यहां आ रहा है ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट भी माइनस 60 इज इक्वल टू 5t प्लस हाफ
माइनस टेन टी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी फाइव है, ये हो जाएगा, इसे ले रहा हूँ टी स्क्वायर माइनस टी माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, टी माइनस फोर, ये तो मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लेना, टी माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सो अपने पास आ गया फोर और माइनस थ्री, ये पॉसिबल नहीं है। तो चार सेकेंड में वो कितना ऊपर गया होगा, तो इसकी वेलोसिटी बलून की तो वो दे रखी है, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी और ऊपर चला गया होगा, ठीक। सो यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ए फॉर टाइम टी इज ए फॉर ए, ठीक है, एक्सेलरेशन ए फॉर टाइम टी के लिए, इट इज फॉलोड इमीडिएटली बाय रिटार्डेशन ऑफ ए फॉर टाइम इंटरवल टी बाय टू। मतलब पहले टाइम टी के लिए वो एक्सेलरेट हो रहा है, फिर ए बाय टू के लिए डी एक्सेलरेट हो रहा है विद सेम मैग्नीट्यूड। If the initial velocity of particle is zero, then the displacement of the particle after n such cycle is. Now, ये क्वेश्चन जो है ये पूछा है कि n cycle के बाद total displacement कितना होगा, और जब भी ऐसा general question आए और इसमें क्या हो रहा है, पहले accelerate हो रहा है फिर de-accelerate हो रहा है, तो पहले अपन को चेक करना पड़ेगा कि पहले सेकंड में दूसरे सेकंड थर्ड सेकंड के अंदर वो कितना चला, एंड देन वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब इन क्वेश्चन करने का बेसिक मेथड तो वही है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप यदि वीटी ग्राफ से करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा। तो अपन नेक्स्ट पेज पर लेते हैं, आंसर इनमें से ही है, आप देख लेना, मैं पूरा सॉल्यूशन का जो कैसे वो करवा लेता हूँ। और डेटा अपन को याद रखना है, पहले एक्सेलरेशन ए है टाइम टी के लिए, फिर है डी एक्सेलरेशन ए है टाइम टी बाई टू के लिए, फिर एन साइकिल के बाद डिस्प्लेसमेंट पूछा है। सो अपन यहां देख लेते हैं क्या है, देखो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। ये ए सॉरी बी और टी, पहले एक्सेलरेट हुआ, लेट इसकी वेलोसिटी होगी v और फिर डी एक्सलेट हुआ टाइम t बाई टू के लिए। अब देखो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि v जब मैं यूज कर रहा हूं, सॉरी v v जीरो प्लस a इंटू टी, तो v का वैल्यू जो है इसको यदि मैं v नॉट बोल देता हूं तो ये अपने पास हो गया v नॉट, दैट इज ए टी। अच्छा यहां पर वो कितना रहेगा, मतलब फर्स्ट साइकिल के बाद वेलोसिटी कितनी रहेगी, तो वो रहेगी फर्स्ट साइकिल के बाद ए टी, मतलब दैट इज इनिशियल वेलोसिटी माइनस ए टी बाई टू, दैट इज वी नॉट बाई टू, ठीक है। तो ये वेलोसिटी कहां पर आ गई, वेलोसिटी वी नॉट बाई टू, वी नॉट ए टी है। अब क्या बोला है, इसके बाद वापस मतलब ये अब तक कहां तक आ गया, टू टी तक, सॉरी टू टी। अब बोला है कि टी के लिए वापस एक्सेलरेट हुआ है टाइम इंटरवल के लिए, तो ये जो है वेलोसिटी आ जाएगी यहां पर, सीधी सी बात है मैं एक बार ये निकाल के बता देता हूं, ये वेलोसिटी आ जाएगी वी दैट इज वी नॉट बाई टू, आपने जो यहां की वेलोसिटी दी, प्लस ए इंटू टी, ए टी का वैल्यू कितना वी नॉट, ये आ गया थ्री वी नॉट बाई टू, तो ये आ गई थ्री वी नॉट बाई टू, और ये वापस कम हो जाएगी, और आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे उसी मेथड से तो वेलोसिटी हो जाएगी वी नॉट, मतलब टू वी नॉट बाई टू। यदि एक्सेलरेशन वो का वही है और टाइम टी और टी बाई टू है तो वेलोसिटी जो बढ़ेगी उसकी आधी वापस कम हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के हमेशा इंक्रीज कितनी होगी, वी नॉट से, और डिक्रीज हो जाएगी वी नॉट बाई टू से। तो मेरे हिसाब से ये वाला समझ में आ गया होगा। अब जो अगला राउंड है वो यहां जाएगा वापिस इस टाइप से, तो देखो ये वी नॉट बाई टू वी नॉट, ये हो जाएगा ये कहां से वी से, तो ये आ जाएगा फाइव वी नॉट बाई टू। कैसे, मैं वापिस यदि फाइंड करने की कोशिश करूं यहां पर, तो वी इज इक्वल टू ये कितना है वी नॉट प्लस ए टी टू वी नॉट, तो ये मैंने सही लिखा था टू वी नॉट,
ठीक है, यहाँ से वापस ये डिक्रीज हो जाएगी, अगली कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3v0/2। तो आपको देखो यहाँ से सीक्वेंस मिल गया होगा, पहले राउंड के बाद वेलोसिटी कितनी है, v0/2, दूसरे राउंड के बाद कितनी होगी, 2v0/2, थर्ड राउंड के बाद 3v0/2। तो आफ्टर एन माइनस वन राउंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एन, देखो बहुत सिंपल सा रहा है, 1 2 3 सीक्वेंस मारा है, तो एन माइनस वन v0/2। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, nth सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं, वो जनरली n के टर्म में आ जाएगा, फिर अपन टोटल सम कर लेंगे। अब देखो यहां से लेकर वो कहां तक बढ़ेगा, टाइम t तक, तो ये मान लेते हो कि अपने पास ये वेलोसिटी है v, यहां से बढ़ेगा, इसको चाहे आप vn बोल लो, तो ये vn यहां तक बढ़ेगा और यहां तक वापस कम आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, एन माइनस वन v0/2 इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ये कहां का डिस्प्लेसमेंट आ गया, यहां तक। अब यहां से वापस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहां की अगली ये वाले वेलोसिटी कितनी होगी, इससे v0/2 कम कर दो, तो n माइनस वन v0/2 - v0/2, तो ये आ जाएगा n v0/2। मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैं अगले वाले में क्वेश्चन में ये वाला डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला जो यूज कर रहा हूं वो आप चाहो तो v² - u² = 2s कर सकते हो, वरना इसका रिवर्स होता है कि यदि वेलोसिटी इतनी होती और इतना आ रहा होता तो डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा यूज कर सकता हूं, वो आ जाएगा n/2 (t/2) + ½ a (t/2)². ये nth के अंदर डिस्प्लेसमेंट आ गया, और टोटल अपन को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर इस समेशन। ठीक है, सो यू विल गेट आंसर। कुल मिलाकर इसके अंदर क्या है, जब आप 2-3 राउंड में वेलोसिटी फाइंड करोगे तब जाकर पता चलेगा कि इसकी वेलोसिटी नेक्स्ट में क्या है। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, ध्यान रहे ये स्क्वायर है, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एज मूव बाय द पार्टिकल इज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन किलोमीटर पर आवर। सो बेसिकली गिवन क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, गिवन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एंड पूछा क्या है, एक्सेलरेशन। सो डेफिनेटली एक ही फॉर्मूला अपने दिमाग में आता है, v² - u² = 2as। अब देखो इसके अंदर u क्या है, इनिशियल, तो ये तो आपके पास हो गया u का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास v का स्क्वायर, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो v² गिवन है, u² गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, सॉल्व यू विल गेट योर आंसर एक्सेलरेशन। बट इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, तो डेटा गिवन है v², और दूसरी बात इसमें कभी कभी अपने दिमाग में ये भी होता है कि ग्राफ गिवन है, या तो एरिया अंडर तो रहेगा या स्लोप रहेगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है, थोड़ा सा देखना पड़ता है कि फॉर्मूला क्या गिवन है। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी dv/dt - 4v + 8, वेयर v इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड द t इज द टाइम इन द सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाज 0, वेलोसिटी इनिशियल कितनी है 0, देन आपको बोला है इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बेसिकली ये आपके पास एक्सेलरेशन ही है। ठीक है, तो आपको बोले हैं dA/dt, तो मैं dA/dt के करने जाऊंगा तो आएगा -4 dv/dt, ये आ गया -4 dv/dt, क्या है यही है -4v + 8, ये आ गया 16v - 32। सो इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 है, तो आंसर शुड बी -32, इधर वैसे रॉन्ग हो गया। एंड सेकेंड है टर्मिनल स्पीड, और टर्मिनल स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड व्हेन एक्सेलरेशन इज 0, सो एक्सेलरेशन मैं 0 करता हूँ तो a का वैल्यू आ गया 2 m/s². थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट. टू द कैप्टन ऑफ द शिप ए ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ए सेकेंड शिप बी अपीयर टू. सो व्हाट इज गिवन? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए. शिप बी अपीयर टू हैव एक्सेलरेशन 5i plus 12j. Now use VB minus VA 12. Velocity of B 8i 8j. Sorry, 8j. Answer fourth. Yes, question number 43. A wind appeared to blow from the north to a man moving in the northeast direction. देखो, एक मैन जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव हो रहा है. तो सबसे पहले तो अपन जब डायरेक्शन की बात आई है, सो वी हैव टू ड्रॉ नॉर्थ ईस्ट. तो स्पेस अपने पास इस स्पेस कम है, ये यहीं पर दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ. ये है नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये है वेस्ट. मैन जा रहा है ऐसे वेलोसिटी वी से 45 पर. तो बेसिकली मैन की वेलोसिटी जो है, एक तो है वी बाई रूट टू ऐसे, एक है वी बाई रूट टू ऐसे. ये है मैन की वेलोसिटी. अब रही बात विंड की, विंड की वेलोसिटी के बारे में अपन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. तो अपन मान लेते हैं कि विंड की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में तो है ए, इस डायरेक्शन में है बी. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो हो गया ए आई कैप माइनस बी जे कैप. नाउ फर्स्ट लाइन लेना, विंड अपीयर टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ टू ए मैन, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन. देखो, विद रेस्पेक्ट टू मैन का मतलब है कि यदि आदमी रुका हुआ होता या आदमी यदि खुद को रेस्ट में माने तो कैसा उसको फील हो रहा है. तो अपन क्या करते हैं, इस मैन को रोक लेते हैं. मैन को रोकने का तरीका है, इसकी जो वेलोसिटी है और ये जो वेलोसिटी है इसको ऑपोजिट कर लेते हैं. तो अब ये आ गया ए माइनस बी बाई रूट टू, ये आ गया बी माइनस बी बाई रूट टू. एंड व्हाट इज गिवन? अपीयरिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब जो अपीयरिंग वेलोसिटी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में. इसका मतलब ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो. इसका मतलब विंड का जो तुमको ए चाहिए था वो आ गया v बाई रूट टू. आई थिंक बहुत बात समझ में आ गई, क्योंकि अपीरेंट किसमें है? नॉर्थ में. इसका मतलब ईस्ट में नहीं है, ईस्ट में नहीं है, इसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ गया? जीरो. पहली बात पूरी. नाउ व्हेन द डबल हिज स्पीड, अब मैन अपनी स्पीड को डबल कर रहा है, डबल कर रहा है तो ये टू भी हो जाएगा. तो कंपोनेंट लेंगे तो ये टू टाइम कौन का आएगा? रूट टू वी. ये भी आ जाएगा रूट टू वी. अब बात वापस होगी भाई, विंड, विंड कौन से डायरेक्शन में थी? विंड ऐसे थी, कितनी थी? बी बाई रूट टू. ये कितना है अपने पास? बी. अब जब मैन को स्टॉप करूंगा तो इधर कितना आ जाएगा? रूट टू वी. इधर कितना आ जाएगा? रूट टू वी. रिजल्टेंट करूंगा तो सर दिख रहा होगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा रूट टू वी माइनस वी बाई रूट टू. इसको सॉल्व कर दो, टू मल्टीप्लाई जाएगा तो ये आ जाएगा वी बाई रूट टू. इसका मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई वी बाई रूट टू, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई बी माइनस रूट टू वी. ठीक है, आगे ये कब है? इसकी ये कौन सी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रेस्पेक्ट टू मैन है, जब मैन ने वेलोसिटी डबल कर दी है. नाउ वेलोसिटी विंड अपीयर टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ कोट टू इनवर्स ईस्ट ऑफ नॉर्थ. एक तो इस बात का बहुत सारे बच्चे डाउट करते हैं कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या हुआ. तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि यदि आपके पास ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते थे. तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है, इस डायग्राम को यदि अपन प्रॉपर ऐसे करें, ये वापस एंगल की टर्म है, तो ये जो एंगल है, ये जो आपको एंगल है वो थीटा दे रखा है. तो मैं इसको थीटा ले लेता हूँ. अब इसको थीटा लिखूंगा तो इधर की वेलोसिटी लिखनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा?
root 2v minus b. Now use formula. कौन सा formula use करो? tan theta वाला ये कर लेता हूँ. tan alpha, मैं इसको alpha मान लेता हूँ. tan alpha क्या होता है? Perpendicular. root 2v minus b, b by root 2. Now tan alpha क्या लिखता हूँ? Alpha क्या 90 minus theta, ये हो जाएगा cot theta. cot theta ये solve करोगे, we will get b is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी मिल जाएगी. सब्स्टिट्यूट करोगे ना, अल्फा का वैल्यू कितना है? 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा कॉट थीटा. कॉट थीटा कितना दे रहेगा? 2. वो अब देखो मैं लगे लेता हूँ यहाँ पर, ये 2 है ना, तो 2 वो कितना है? v बाई रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2 v माइनस b. अभी रूट 2 v, रूट 2 v कट गया, b का वैल्यू कितना आ गया? 0. ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था. आप वेक्टर से करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मैन को स्टॉप करके करोगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा. थैंक्स. नेक्स्ट नेक्स्ट 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड वेस्ट. फिर वही डायरेक्शन आगे. देखो एक बात आपने नोटिस की हो तो मैं एक लाइन ही पढ़ रहा हूँ, आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि पहले अपन को यदि लाइन बाय लाइन समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट मूव करने से मतलब नहीं है. तो क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा मुझे नहीं पता, बस मैंने वापस यहाँ पर नाम बना दिया ये ईस्ट और ये वेस्ट. नाउ 120 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेन वेस्ट विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर, इस साइड में जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड. ए ब्रेड फ्लाइंग टुवर्ड द ईस्ट, बर्ड ऐसे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड. द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन. अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है. अब आप एक बात समझने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन ऐसे डाल दिया, ये हमने बहुत प्लानिंग के तहत डाला है. हम ये चाहते हैं कि बच्चों को पहले ये समझ में आना चाहिए. जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो बहुत लेंथी था, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था. अब आपको पास कम से कम कोई भी क्वेश्चन करते हो या कोई भी टेस्ट पेपर करते हो तो आपके पास 2 राउंड तो करने चाहिए. पहले राउंड के अंदर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को फटाफट कर लो, उससे क्या कॉन्फिडेंस आता है. और जो एग्जाम होता है वो गेम ऑफ कॉन्फिडेंस ही है, बाकी कुछ भी नहीं है. तो आप यदि इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें उलझ गए तो आपके अंदर तुरंत यदि उलझते डिप्रेशन आ जाएगा, फिर आपको एग्जाम का प्रेशर आएगा, फिर आप सोचोगे अरे यार मुझे टेस्ट पेपर पूरा करना है, उसके चक्कर में इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन रॉन्ग करके आओगे. तो करने का तरीका कम से कम 2 राउंड के अंदर करना चाहिए. पहला राउंड वो होना चाहिए जिसके अंदर क्वेश्चन बहुत ईजी हो. मेंस के हर एक पेपर के अंदर आपको 50% क्वेश्चन सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड बहुत ईजी मिलते हैं, जैसे ये मिल रहा है. तो हमने आपको वादा किया ना कि हम आपको जी मेंस का जो पेपर आता है उसी लेवल को फॉलो करेंगे, हम वही पैटर्न फॉलो करेंगे ताकि आपको एग्जाम में उसका बेनिफिट मिले. ज्यादा टफ क्वेश्चन कराने से, ज्यादा इजी क्वेश्चन कराने से किसी को बेनिफिट नहीं होने वाला. अल्टीमेटली टारगेट क्या है? मेंस के अंदर आपको स्कोर लाना. तो हमारा टारगेट ये है कि आपके अंदर, आपको मेंस के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए. तो ये क्वेश्चन अच्छा देखो कितनी प्लानिंग के तहत हम काम करते हैं. इससे पहले वाला क्वेश्चन टफ था, ये वाला क्वेश्चन इजी है. तो इस क्वेश्चन को यदि मैं पहले देता और वो जो पहले कराया उसको बाद में देता तो वो फील नहीं आता. हमने पहले टफ दिया है, ये आपको एहसास कराने के लिए कि आपको क्वेश्चन करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चन किए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना क्वेश्चन इमीडिएटली छोड़ दिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इस बात को ध्यान रखें, हमने पूरा मेहनत की है तो इसलिए बोल रहा हूँ हमारा जो 3 राउंड है उसका डेफिनेटली फॉलो करें, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा. इसके अंदर हम टोटली ट्राई कर रहे हैं कि एकदम मेंस पैटर्न को फॉलो करें, तभी हम सीएलसी बाकी से अलग हो पाएंगे, अलग है भी. आगे बढ़ते हैं. थैंक्स. टू पार्टिकल स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड मूव अलोंग टू स्ट्रेट लाइन. सेम पॉइंट है तो डिफरेंट लाइन है. सो एक अपन ऐसे मान लेते हैं, एक ऐसे मान लेते हैं. आगे और इंफॉर्मेशन होगी. वन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ओके. तो लेट मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी वी है. अदर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती जाएगी? वेरी. कैसे होती जाएगी? 0 प्लस ए टी, इसको वेलोसिटी मान लेता हूं मैं वी वन, वो चेंज हो रही है. इफ अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइन ऑफ मोशन, ओके ये अल्फा, देन लिस्ट विल ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एट टाइम, मतलब मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम रिलेटिव वेलोसिटी कब होगी, किस टाइम पर होगी. तो क्योंकि एक तो मिनिमा पूछा है सो वी हैव टू यूज मैक्सिमा मिनिमा, एंड दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी है तो वी रिलेटिव का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. तो वी रिलेटिव क्या आ जाएगा? वी वन का स्क्वायर प्लस वी टू का स्क्वायर
माइनस टू वी वन वी टू कॉस अल्फा वी आर का स्क्वायर, ठीक है, वी आर का स्क्वायर वी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू वी ए टी कॉस अल्फा। बोला है मिनिमम कब होगा, अब वी आर मिनिमम तब होगा जब वी आर स्क्वायर मिनिमम हो, सो जस्ट बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो करो, यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए डायरेक्टेड अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, गिवन द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इट्स मीन वी हैव टू ड्रॉ एक्स एंड वाई, लेट दैट इज एक्स दैट इज वाई, वॉट इज गिवन ए वाई दैट इज माइनस ए एंड बेसिकली ऑल्सो गिवन ए एक्स इज जीरो ए जेड इज जीरो। वैसे एक्स वाई प्लेन में है तो ये मतलब ही नहीं है, ए एक्स जीरो है बिकॉज एक्सेलरेशन सिर्फ एक गिवन है वाई डायरेक्शन में। ओके, इक्वेशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉर्म गिवन है वेयर अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द ओरिजिन मीन एट एक्स इज इक्वल जीरो एंड वाई इज इक्वल जीरो व्हाट इज वेलोसिटी, सो व्हाट इज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट, सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड वी एक्स एंड वी वाई, सो इक्वेशन गिवन वाई और एक्स में डेफिनेटली वी हैव टू डिफरेंशिएट, सो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप भी मैथ्स के स्टूडेंट हो यू कैन राइट डायरेक्टली एज वेल एज, सो अल्फा वी एक्स माइनस टू बीटा वी एक्स एक्स, बेसिकली एक्स इज इक्वल टू जीरो पर वी वाई तो सीधा सीधा आ गया अल्फा इंटू वी एक्स, पहली बात। इसका मतलब यदि मेरे पास वी एक्स आ जाता है या वी वाई आ जाता है तो वेलोसिटी तुरंत आ जाएगी बिकॉज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है वी एक्स का स्क्वायर वी वाई के स्क्वायर का रूट। सो कैसे फाइंड करें, डेफिनेटली वी हैव गिवन वी वाई ए वाई एंड एक्स, अब उसका वो जो दे रखा है उसका यूज तो करना ही करना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डेफिनेटली हमेशा यूज करना है बट इसका भी यूज करना पड़ सकता है, सो अगेन मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू अल्फा। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करने का कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि ये आएगा ए एक्स का है जीरो, मैं इसको यहाँ जीरो लिख लेता हूँ, माइनस टू बीटा इसका लगेगा प्रोडक्ट रूल, अब प्रोडक्ट रूल में बेसिकली बोलना चाहो तो वी एक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है वी एक्स कॉन्स्टेंट है तो वी एक्स आ गया बाहर और ए एक्स का दिया हो गया वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स कॉन्स्टेंट क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है वी एक्स, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, अल्फा का वैल्यू दे रखा है माइनस ए इक्वल टू माइनस टू बीटा वी एक्स का स्क्वायर, माइनस से माइनस गया अपने पास आ गया वी एक्स, वी एक्स आते अपने पास क्या आ गया वी वाई, नाउ यूज फॉर्मूला यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द हाइट 5 मीटर, 5 मीटर इट टच द ग्राउंड एट द डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यहां से 10 मीटर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज, तो सिंपल सही है यू इन टू टी, टी का फॉर्मूला 2h/g। नेक्स्ट, ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, एट एन इंस्टेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टोन फ्रॉम द टू एक्सट्रीम ऑफ द रेंज आर अल्फा एंड बीटा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसका यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत ईजी हो जाएगा, अदरवाइज बहुत थोड़ा सा लेंथी होता है वो अपन को करना पड़ेगा। तो ये बोला है कि प्रोजेक्ट किया है तो ये ऐसे गिर रहा है, ये एंगल आपको दे रखा है, अब बोला है कि रैंडमली कोई भी दो पॉइंट ले लो, जैसे ये ले लिया मैंने, ये आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री, वो फॉर्मूला क्या वो भी मैं बता दूंगा, ये बोल रहा है कि जो ये और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो अल्फा बीटा के अंदर रिलेशन क्या है, तो एक तो एक सीधा सीधा फॉर्मूला होता है यदि आप याद रखो तो 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, अदरवाइज क्या करना होता है इसकी आपको ये मान लेते हैं किसी हाइट h है, ये x1 तो
एक्स वन इज इक्वल टू आएगा एच टेन अल्फा, आर माइनस एक्स वन आ जाएगा एच टेन बीटा, अपने पास वाई का फॉर्मूला होता है टेन थीटा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई आर, वाई की जगह पुट कर दो एच, एक्स की जगह एक्स वन, सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी यू मेकिंग एंगल टू थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, टू थीटा, व्हाट इज द स्पीड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। अभी ऐसे जाएगा तो मान लो कि यहां पर एंगल बना रहा है थीटा, लेट ये वेलोसिटी वी वन है, सो वी नो दैट कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो करेगी कॉन्स्टेंट, सो वी वन कॉस थीटा इज इक्वल टू यू कॉस टू थीटा। अब आपको जो ऑप्शन है उसमें से कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सब आंसर देखो टू थीटा वाला तो ये आंसर है वो तो मैच कर नहीं रहा है थीटा वाला, तो अपने पास फॉर्मूला होता है वन कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अभी जो ये टू थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, इसका मतलब कॉस टू थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड माइनस वन। अब तो यहां पर पुट कर दो वी वन कॉस थीटा यू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, सॉल्व करो यू विल गेट आंसर। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ यू एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिटवीन इट्स पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाइएस्ट पॉइंट, मीन ऐसे तो इस पॉइंट के बीच में हाइएस्ट पूछी है मतलब एवरेज वेलोसिटी, तो ये होता है एच, ये होता है आर बाई टू, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है आर स्क्वायर एच स्क्वायर का रूट डिवाइड बाई टी यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी, टाइम मतलब यहां से आएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है टू यू साइन थीटा बाई जी, तो आधे टाइम आ जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, नाउ आर और उसका वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा। तो ये थे अपने सेक्शन ए, अब अपन करते हैं सेक्शन बी स्टार्ट जो कि इंटीजर टाइप का है। इसमें आपको ये पता है पांच क्वेश्चन करने होते हैं तो आपको इसमें बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होना पड़ता है, एक बार कम से कम पांच क्वेश्चन को पढ़ लो, जो आपको लगे कि आपने पांच क्वेश्चन उस टाइप के पहले कहीं पढ़े हुए हैं या जो क्वेश्चन आपको इजी लगते हैं उसको पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि आप वन से शुरू हो जाओ, वन से शुरू नहीं होना है, हो सकता है कि आपको आता स्टार्ट के फाइव ही हो लेकिन वो लेंथी हो और लास्ट के फाइव बहुत शॉर्ट शॉर्ट हो, तो इस बात का ध्यान रखना है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ अपन को यहाँ पर एग्जाम से लड़ाई नहीं करनी है, अपन जो टफ क्वेश्चन आए उसको छोड़कर इजी क्वेश्चनों में जाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद इट्स कोऑर्डिनेट, टाइम गिवन है, अनदर पार्टिकल इज मूविंग एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट वो भी गिवन है, द स्पीड ऑफ सेकंड पार्टिकल इज मेजर्ड इन द फ्रेम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। तो पहले अपन मान लेते हैं वेलोसिटी वी वन, वो आएगा डी एक्स बाई डी टी, वो आएगा एट माइनस सिक्सटी, टी इज इक्वल टू वन पर कितना आएगा एट माइनस सिक्स दैट इज टू, कौन सी डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में टू, वेलोसिटी ऑफ वाई वो कितना आ जाएगा जीरो माइनस ट्वेंटी फोर टी स्क्वायर, टी कितना दिया वन ये आ गया ट्वेंटी फोर, ये है इस डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी ट्वेंटी फोर का स्क्वायर टू का स्क्वायर का रूट, ठीक है, सो यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20√3 मीटर पर सेकेंड एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल जी ए, कैलकुलेटेड टाइम इंटरवल आफ्टर विच द वेलोसिटी वेक्टर विल मेक एंगल 30 डिग्री विद, अब देखो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी एट एंगल कितना 20√3 एंगल 60 डिग्री, और जब ये एंगल 30 डिग्री बना लेता है तब कितना रहेगा। अभी जस्ट ऐसा आपने क्वेश्चन किया था कि वेलोसिटी कितनी होगी वो वाले क्वेश्चन, और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें क्या टाइम पूछा है, इसका मतलब आपको टाइम पूछा है तो टाइम वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, तो अपने लिए अभी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट नहीं है तो अपने पास यूज करेंगे टेन थीटा
is equal to Vy divided by Vx. Now, tan 30 Vy. U sin theta minus gt divided by u cos theta. Theta kitna hai? Matlab u sin theta ki baat kari jaye to wo kitni hai? 20 root 3 sin 60. Sin 60 kitna hota hai? Root 3 by 2. To main yahan seedha kar deta hu. Root 3 by 2. Aur wo kitna jayega? 1 by 2. Substitute karo, you will get answer. If time of flight of the particle is 10 seconds, मतलब t is equal to कितना है? 2u sin theta by g and range is r, that is 2u square sin theta cos theta by g. ये दे रखा है 10, range है 50, the maximum height attained is, तो हाइट का फॉर्मूला क्या यहीं से आ जाएगा, क्या होता है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, इसी को स्क्वायर कर दो यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये इंफॉर्मेशन नहीं, वहीं से आंसर ना आ जाएगा। ए ग्लास विंडो स्क्रीन हुज इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल कैन बी चेंज इट माउंटेड ऑन द कार मूव हॉरिजॉन्टली, कार ऐसे जा रही है, वेलोसिटी ऑफ कार 2 मीटर पर सेकंड, द एंगल अल्फा विद द वर्टिकल, वर्टिकल के साथ एंगल, विच द विंड मस्ट स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द रेन ड्रॉप फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड, रेन फॉल हो रही है 6 मीटर पर सेकंड, स्ट्राइक द विंड स्क्रीन नॉर्मली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं इन्होंने एंगल अल्फा ये दिया, तो अपन मान लेते हैं अल्फा ये विंड स्क्रीन है, विंड के रेस्पेक्ट में नॉर्मली होना चाहिए, इसका मतलब कार यदि स्टॉप कर दी जाए तो उसके रेस्पेक्ट में क्या है, तो देखो इसका डायग्राम बहुत सिंपल सा ही है, मैं इसको ये रेन ऐसे फॉलो रही है, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, कार को स्टॉप कर दिया, रिलेटिव मोशन में स्टॉप कर दिया इसको 2 मीटर पर सेकंड, रेन ऐसे इसके 90 डिग्री गिरता होना चाहिए अपेरेंट, ठीक है। अब आप देखो ये अल्फा है, ये अल्फा रहेगा, 90 डिग्री अपेरेंट का मतलब है इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे, इसका मतलब विंड के पैरेलल में वेलोसिटी कोई भी नहीं होनी चाहिए। अब ये 6 दे रखा है, ये अल्फा है, तो ये अल्फा रहेगा, तो इधर आ गया 6 कॉस अल्फा, इधर ये आएगा 2 साइन अल्फा, ये दोनों वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, तो ये आ गया 2 साइन अल्फा, तो यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन विशेस टू क्रॉस अ रिवर इन द बोट, If he cross the river in minimum time, then जब पहली बात इसको फिनिश करते हैं, मिनिमम टाइम कब रहेगा वो, मिनिमम टाइम तब रहेगा जो वेलोसिटी ऑफ मैन ऐसे हो, मैन बोल रहा है बोट बोल लो डायरेक्ट ऐसे हो, और वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो यू, अपन ऐसे मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ सिंपल सा भी, तो वो ऐसे फ्लोट कर रहा हूँ लेकिन वो जाएगा कहाँ पर, ऐसे मान लेते हैं इसकी विड्थ है एल, तो आपको जो पहला डेटा दे रखा है वो मैं लिख लेता हूँ, कितना टाइम ले रहा है वो, शॉर्टेस्ट 10 मिनट, 10 That is L divided by V. पहले, then he take 10 minute with drift. Drift ये क्या है? 120. अब इसका अपन सीधा सीधा यूज कर सकते हैं 120 U into time जो लगा वो. If he cross that river taking shortest route. He take 12.5. Shortest route कब रहेगा? जब वो ऐसे फ्लोट करे और ऐसे जाए, तब क्या रहेगा इसका shortest? The velocity of the boat in the meter. तो ये सिंपल सा ही आ गया, कितना टाइम लग रहा है 12.5 is equal to L V square minus U square. यहां से आपके पास U आ गया है, एल यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए ट्रेन मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 आवर टाइम, इट्स स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग इट्स मोशन इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, वीटी ग्राफ, फिर मैंने बोला ना एकदम इजी क्वेश्चन आ गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इसका मतलब मैक्सिमम स्लोप, मैक्सिमम स्लोप कहां पर है इसका, यहां पर, तो ये जो एक्सेलरेशन है
10 theta, 60 minus 20 divided by 0.25. Okay, next. A car started moving along the line first with acceleration 5 meter per second starting from rest, then uniformly and finally decelerated at the same rate it come to rest. The total time of motion is 25 seconds. The average speed during the time is 20 meter per second. The particle move uniformly for. Okay. बढ़िया क्वेश्चन है, छोड़ने लायक है, 10 में से यदि आपको 5 करने हैं इस क्वेश्चन को, अपन को वैसे नहीं करना चाहिए, बट आप तो करोगे मुझे पता ही है। बीटी टोटल ये मान लेते हैं टाइम टी के लिए चला वो टी नॉट, फिर ऐसे चला और वापिस उससे आ गया तो ये हो गया अपने पास टी नॉट। ठीक है, ये टोटल टाइम मान लेते हैं जो अपन को फाइंड करना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चला, अच्छा आपको ये एक्सेलरेशन दे रखा है ए, तो यहाँ की वेलोसिटी पता चल जाएगी v इज इक्वल टू ए इंटू टी नॉट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया टू टाइम ऑफ हाफ ए टी नॉट इंटू टी नॉट, मतलब इसका और इसका मिलाकर, प्लस velocity at naught into t, ये आ गया displacement। the time total time of motion दे रखा है, मतलब एक और दे रखा है 2t naught plus t is equal to 25। तो basically अपन को t find करना है, तो मैं t naught को eliminate करता हूँ यहाँ से, तो t naught आ जाएगा 25 minus t divided by 2, जो कि अपन को यहाँ पर substitute करना है। ठीक है, नाउ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टोटल लेंथ आपको दे रखा है 25, ये आपको डिस्प्लेसमेंट एस वो कितना दे रखा है 20, ऐसा सब्स्टिट्यूट करो आपके पास एक ही अनुमान है वो आ जाएगा। नेक्स्ट, the placement of the particle starting from the rest is given by ये s is equal to the time at which the particle will attain zero velocity again, फिर इजी क्वेश्चन है तो वही बोलो, पहले क्वेश्चन टोटल पढ़ लेने चाहिए, वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर दो कितना आएगा 12t माइनस 3t स्क्वायर, 12 3t t 0 t एक तो 0 आ रहा है, एक t is equal to 4 इसलिए बोला अगेन। ठीक है, a body fall freely under the gravity, the distance traveled by the in the last second of the journey equal to distance traveled by in the first 3 seconds। अच्छा एक अपन को पता है एसएन का फॉर्मूला होता है, वो होता है यू प्लस ए बाय टू टू एन माइनस वन, अब इसके अंदर ये तो है जीरो और बोला कि स्टार्ट का 3 सेकेंड वो कितना चला है हाफ, जी का वैल्यू है 10, 3 का स्क्वायर you will get your n। ठीक है, next a ball is thrown vertically upward with initial velocity 150 meter per second, the ratio of the velocity after third and 5 second कितने से फेंका है 150, 3 second बाद velocity कितनी हो जाएगी 150 minus g into t, 5 second बाद कितनी हो जाएगी 150 minus 50, ये हो गया 120, ये हो गया 100, आपको बोला है 120 100 इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय x, सॉल्व करो आपका आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली देखो अपना उद्देश्य या टारगेट ये था कि सभी टॉपिक को कवर करना, तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए हैं, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल ग्राफ रिलेटिव वेलोसिटी सब टाइप के क्वेश्चन है, इजी टफ मॉडरेट। आजकल का जो पैटर्न है उसमें आपको पता है एनटीए के अंदर मेंस के अंदर बहुत सारे बच्चों के 100% आते हैं, तो अपन उस टारगेट के अकॉर्डिंग चलें कि बच्चा यदि क्वेश्चन छोड़ सकता है तो उसके भी आराम से 100% बन जाए। टफ क्वेश्चन को छोड़ना अपन को आना चाहिए क्योंकि अपने पास टाइम सफिशियंट होता है, जैसे अपन देखें लास्ट के क्वेश्चन एकदम ईजी है, बीच बीच के क्वेश्चन थोड़े थोड़े क्वेश्चन ईजी थे,
कहीं के क्वेश्चन टफ आ रहे थे, टफ क्वेश्चन आते तुरंत उनको छोड़ देना है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलोगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करोगे। फिर एक बार बोल देता हूँ, आप अपना बेनिफिट जितना लेना चाहो आप सीएलसी से ज्वाइन, सीएलसी का जो मिड सेशन है उसको ज्वाइन करना चाहिए। हम 3 बार इसका रिविजन कराएंगे, लगभग 5,000-6,000 अपन क्वेश्चन दे रहे हैं। आप यदि जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं उनको भी सीरियसली कर लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा करने की ऑलमोस्ट कोई जरूरत नहीं है। आपके जितने भी जानकार हैं जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक यूनिक मटेरियल चाहिए, एक अलग टाइप का मटेरियल चाहिए, जो मेन से पहले 3 बार रिविजन करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको ये मिड सेशन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। थैंक यू। जय सीएलसी। मेरी तरफ से भगवत सिंह उदावत।